एनालॉग और डिजिटल दोनों आपको साथ में इसमें मिलता है। अगर इसको आप हटा देते हैं, इसको जो लॉक दिया होता है ना साथ में, अगर आप इसको बाहर को खींचेंगे, एनालॉग को सेट करने की बात मैं बोलता हूँ, तो इस तरह से आप इसको बाहर निकाल के इस तरह से इसको आप सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें बजा देता हूँ 3। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हाजिर है दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में आपको एक नई वॉच लेके आया हूँ जो कि मेंस वॉच है, एनालॉग के साथ डिजिटल भी आपको उसमें मिलेगा। तो घड़ी की मैं आपको MRP, कलर और कहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं सारा ही वीडियो के एंड तक आप वीडियो को देखना है, उसको सारा आपको वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को कदर सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो कलेक्शन पहुंच सके आपके पास टाइम से। तो वीडियो को कदर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने डैनियल क्लीन का बॉक्स और डी टाइम उस पर लिखा हुआ है, डैनियल क्लीन यहाँ पर लिखा हुआ है फैशन फॉर एवरीवन। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ मिलेगा आपको इस तरह का ऊपर साफ का कवर मिलेगा ताकि आपकी घड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह न लग जाए। उसके साथ आपको मिलता है यहाँ पे एक मैनुअल मिलता है, एक वारंटी कार्ड मिलता है। तो मैनुअल में आप जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़ के इसको सेट कर सकते हैं, वारंटी एंड इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। तो घड़ी की फर्स्ट लुक आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह की वॉच आपको ये दिखेगी। अराउंड में इसको सारा आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी इसकी लुक। तो चलिए वन बाई वन इसका मैं सारा ही आपको डिटेल आपको बता देता हूँ। तो ये है एनालॉग डिजिटल वॉच, एनालॉग प्लस डिजिटल वॉच, जो कि मेंस के लिए स्पेशल है, लड़कों के लिए। अगर इसके केस मटेरियल की बात करें तो स्टेनलेस स्टील इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है। डायल इसमें आपको ग्रे मिलेगा। डायल डायमीटर जो आपको मिलता है इसमें 45 mm का मिलता है। बाकी डायल राउंड शेप में आपको मिलता है इसमें। अगर डायल टाइप की मैं बात करूं तो यूरोपियन नंबर्स मिलते हैं, साथ में स्टिक मिलता है इसको। और मूवमेंट क्वार्ट्ज वॉच है ये, वाटर रेजिस्टेंस भी इसकी 50 मीटर तक है। और स्टेप कलर की अगर मैं बात करूं तो आर्मी कलर भी आप इसको बोल सकते हैं या फिर ब्लैक कलर इसको बोल सकते हैं, इस तरह से आप पूरी लुक दे सकते हैं। बाकी स्ट्रैप विड्थ की मैं बात करूँ तो 22 mm का, 22 mm का आपको मिलता है। बाकी ग्लास मटेरियल की मैं बात करता हूँ तो मिनरल ग्लास इसमें यूज़ किया गया है। अब चलिए चलता हूँ पहले स्ट्रैप की तरफ। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे, डी टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ, इस तरह से इसको ऊपर को अनलॉक करेंगे और यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो गया। फिर से इसको दोबारा लॉक करने के लिए इस तरह से करेंगे और उसको ऊपर से ऐसे लॉक कर देंगे। उसके बाद बात आती है डायल की। तो डायल आपको उसमें ग्रे कलर में मिलता है, बाकी एनालॉग और डिजिटल दोनों आपको साथ में इसमें मिलता है। अगर इसको आप हटा देते हैं, इसको जो लॉक दिया होता है ना साथ में, अगर आप इसको बाहर को खींचेंगे, एनालॉग को सेट करने की बात मैं बोलता हूँ, तो इस तरह से आप इसको बाहर निकाल के इस तरह से इसको आप सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें बजा देता हूँ 3। तो इस तरह से एनालॉग वॉच आपकी सेट हो जाती है। ये नॉर्मल काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे सेट की जाती है एनालॉग वॉच। उसके बाद अगर मैं इस नीडल्स की लुक के बारे में बताऊं तो बहुत ही अच्छी लुक लग रही है। रेड एंड हेड पे जो वाइट सा दिया हुआ तो अच्छा लग रहा है। और मिनट्स और हावर्स की भी इसमें वाइट का जो साथ में से मिक्सर दिया गया काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। और इसमें राउंड में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर के साथ कंबाइन करके मिक्सचर बनाया गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद बात आती है इसको डिजिटली सेट करने की। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको उसमें मोड कितने होते हैं। ये आपका टाइम का, रियल टाइम का मोड आ जाता है। उसके बाद क्रोनोग्राफ मोड आ जाता है, उसको हम बोल सकते हैं एज स्टॉप वॉच, इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद अलार्म सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद टाइम सेट करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपके आवर्स चेंज होते हैं, इस तरह से आप आवर्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो मिनट्स चेंज करने हैं आपने। दोबारा से अगर क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ से डेट चेंज कर, सॉरी मंथ चेंज करना है, जैसे दिसंबर कर देता हूँ। उसके बाद डेट चेंज करनी है आपने, 1-2 तारीख जो भी है। उसके बाद आपका आता है फ्राइडे, सैटरडे जो भी है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। उसके बाद
आपकी जो सेकंड है वो तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। उसके बाद टाइम सेट हो गया तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका टाइम हो जाता है सेट। इसको बोलते हैं आप लाइट बटन, इसमें लाइट जल सकती है आपकी। और इसको बोल सकते हैं आप टाइम सेटिंग के लिए जो बटन यूज़ किया जाता है यहाँ से सेट हो जाता है। इसको रिसेट बटन बोलते हैं या तो स्टार्ट स्टॉप एंड मेरे ख्याल ओवरऑल रिव्यू तो इसका इतना ही है। अगर मैं इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो 7,600 रुपये में उसका प्राइस आपको पड़ जाएगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मॉडल नंबर से भी सर्च करके इसको परचेज कर सकते हैं। DK.1.12355(1). अगर इस मॉडल को आप सर्च करेंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे तो वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे, या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी इस घड़ी को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं फिर क्लोज। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो कर दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो पहुंच सके आपके पास टाइम से। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, भगवान करे आपका समय शुभ रहे।